सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक प्रो टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टॉक मार्केट रिलेटेड टिप्स सबसे पहले पाने के लिए। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। ये एक स्पेशल वीडियो है। आज हम इसमें डिविडेंड पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। ये सब टॉपिक आज के हमारे एजेंडा का हिस्सा हैं। नंबर वन, व्हाट इज डिविडेंड। नंबर टू, व्हाई डिविडेंड्स। नंबर थ्री, मोटो सेफ्टी फर्स्ट। नंबर फोर, सिक्स टिप्स फॉर सेटिंग अप योर पोर्टफोलियो। एंड फाइनली वील टॉक अबाउट बॉटम लाइन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड एक रिवॉर्ड या कैश को रिप्रेजेंट करता है जो कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है। डिविडेंड डिफरेंट फॉर्म्स में इशू किए जा सकते हैं, जैसे कि कैश पेमेंट या फिर स्टॉक इशू। कंपनी का डिविडेंड इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा डिसाइड होता है और इसके लिए शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए होता है। अभी हम जानेंगे हमें डिविडेंड क्यों चाहिए। एक इक्विटी पोर्टफोलियो में दो तरीके के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि नॉन गारंटीड डिविडेंड्स और दूसरा इकोनॉमिक रिस्क। अगर हम किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं जिससे हमें एनुअली 5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है और हम 4% इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करें तो हमें इसमें से नेट ईयरली 1% का पे आउट मिलता है। इसके अलावा अगर हम किसी डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो हमें इससे एनुअली 10% का ग्रोथ देखने को मिलेगा और वो स्टॉक हमें 4-5% तक डिविडेंड पे आउट दे सकता है जो कि हमारा इन्फ्लेशन रेट को कवर कर सकता है। अगर हम उस स्टॉक में 10% के हिसाब से 10 साल तक इन्वेस्टेड रहें तो हम इससे एक अच्छा कमाई कर सकते हैं। और हमारा कमाई होने के बाद हम अगर इससे 15% टैक्स भी देते हैं तो हम उसमें से एक हेल्थी रेट में अपने पोर्टफोलियो को ग्रो कर पाएंगे। एक इन्वेस्टमेंट में एंटर करने से पहले हमें सेफ्टी फर्स्ट रूल को हमेशा फॉलो करना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ क्राइटेरियाज को सेट करना होगा और इसके बाद हमें उस कंपनीज के ऊपर अपना होमवर्क कंप्लीट करना होगा और वो सब कंपनीज जब फेयर वैल्यूएशन पे अवेलेबल हों तभी हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप कोई ब्लू चिप स्टॉक ढूंढ पाए जिसका बैलेंस शीट 10-15% का एनुअल ग्रोथ दिखा रहा है तो आप उसमें एक अच्छा पोजीशन बना के भी पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है तो ये एक ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे स्टॉक में आपको डिविडेंड कट देखने को मिल सकता है। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यहाँ आपको इंट्राडे ट्रेड सेटअप के अलावा इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, पर्सनल फिनेंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस रेड कलर के बटन को क्लिक करके, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग पे एडवांस इनसाइट पाना चाहते हैं तो हमने कुछ बुक्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, आप उनको जाके चेक कर सकते हैं। अभी हम 6 टिप्स के बारे में बात करेंगे जिनके मदद से आप अपना डिविडेंड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। टिप नंबर 1, डाइवर्सिफाई। टिप नंबर 2, डाइवर्सिफाई अमंग 5-10 इंडस्ट्रीज। टिप नंबर 3, चूज फिनेंशियल स्टेबिलिटी ओवर ग्रोथ। टिप नंबर 4, फाइंड कंपनीज विथ मॉडेस्ट पे आउट रेशियोज। टिप नंबर 5, फाइंड कंपनीज विथ ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ रेजिंग द डिविडेंड। टिप नंबर 6, रीइन्वेस्ट द डिविडेंड्स। टिप नंबर 1, डाइवर्सिफाई। आपको 15-20 क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने फ्यूचर इनकम के लिए अभी से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको डिविडेंड पे आउट मिलने वाले स्टॉक में ही मेन फोकस बना के इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। टिप नंबर 2, डाइवर्सिफाई अमंग 5-10 सेक्टर्स। आपको कभी भी 1-2 सेक्टर में अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर उन सेक्टर्स में गिरावट देखी जाती है तो आपको एक बड़ा सा लॉस को फेस करना पड़ सकता है। आपको अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लाने के लिए और रेगुलर डिविडेंड पाने के लिए आपको 5-10 सेक्टर्स में अपने पोर्टफोलियो को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। इससे आपको रेगुलर डिविडेंड्स भी मिलते रहेंगे।
टिप नंबर 3, चूज फिनेंशियल स्टेबिलिटी ओवर ग्रोथ। अगर आपको किसी स्टॉक को सिलेक्ट करना है तो आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना होगा उसके ग्रोथ से, क्योंकि जब मार्केट में डाउनसाइड चल रहा होता है ऐसे सब स्टॉक में ज़्यादा डाउनफॉल नहीं देखा जाता। तो आप ऐसे ही स्टॉक को उसके क्रेडिट रेटिंग से चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको मनी कंट्रोल जैसे वेबसाइट को विजिट करना होगा और वहाँ पर आप एंजल ब्रोकिंग के ARQ स्कोर से इसको पता लगा सकते हैं। इसके अलावा आप पेड सर्विस जैसे थॉमसन रॉयटर्स के रिपोर्ट से भी इसको पता लगा सकते हैं। टिप नंबर 4, फाइंड कंपनीज विथ मॉडेस्ट पेआउट रेशियो। इसके लिए आपको डिविडेंड को एक परसेंटेज ऑफ अर्निंग के हिसाब से देखना होगा। अगर किसी कंपनी का पेआउट रेशियो 60% या कम है तो वो एक अच्छा पिक हो सकता है। टिप नंबर 5, फाइंड कंपनीज विथ ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ रेजिंग द डिविडेंड। आपको ऐसे कंपनी को सिलेक्ट करना है जिसने लास्ट 10-20 ईयर्स में डिविडेंड पे आउट किया हुआ है। ऐसे कंपनी को सिलेक्ट करने से आपको ये तसल्ली रहेगा कि वो सब कंपनी आगे जाके भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इससे आपका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित भी रहेगा और वो टाइम के साथ ग्रो होता भी रहेगा। टिप नंबर 6, रीइन्वेस्ट द डिविडेंड्स। जो पे आउट आपको डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है आप उसको रीइन्वेस्ट भी कर सकते हैं। इसके द्वारा आप अपने पोर्टफोलियो में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी देखने को पा सकते हैं और इससे आपको एक अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है।